नमस्ते, मैं मोदी 2.0 से हूँ। आप बताइए, आपका वोटर आईडी यही एरिया का है? हाँ बिल्कुल है। अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आप क्या चाहते हो, कौन अपना पीएम बने? नरेंद्र मोदी जी, ऑफ कोर्स। अच्छा, आप अपने पिछले 5 साल के कुछ अनुभव ताज़ा करेंगे हमारे साथ कि आपने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए मोदी गवर्नमेंट में? मेरे हिसाब से देश को पहली बार इतना स्ट्रांग नेतृत्व, इतना मजबूत नेतृत्व मिला है कि मोदी जी के आने के बाद से जो देश की साख बढ़ी है सारी दुनिया में, एंड देश में जो जो सुधार हुए हैं, जैसे बिजली हो, सड़क हो, लोगों को गैस मिलना हो, या शौचालय बनाना हो, स्वच्छता मिशन हो, आई मीन हज़ारों चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। एंड मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार फिर आए, बार बार आए, क्योंकि उनका उनके नेतृत्व में जो विकास हुआ है ये शायद इससे पहले देश में किसी ने देखा नहीं। अब प्रोपागेंडा बनाने वाले, आलोचना करने वाले बेबुनियाद बातें कर करके मतदानी करना चाह रहे हैं और उसको उनकी अपनी वजह है। अब देश की हालत ऐसी है कि इतने सालों में, लाइक पिछले 50-60 सालों में हम सब, आप मैं सभी, हम लोगों को ना निर्णय न आने की या किसी ने निर्णय न लेने की आदत बन चुकी है। अब थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँ तो इसका मतलब यह रहेगा कि हर बार हर गवर्नमेंट, इससे पहले जो भी गवर्नमेंट आई है, वो लोगों ने हर बार कोई भी निर्णय लेने से हमेशा से बचते रहे, क्योंकि उनको लगा कि मैं फलाना निर्णय लूँगा तो एक ग्रुप नाराज हो जाएगा, मैं फलाना निर्णय लूँगा तो कोई समाज नाराज हो जाएगा, मैं फलाना निर्णय लूँगा तो कोई धर्म नाराज हो जाएगा। इसके चलते कभी किसी गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लिए ही नहीं, और निर्णय नहीं लेने की वजह से हम लोग इतने आदि हो गए कि आज कोई बंदा कुछ कर रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है, समाज के लिए कुछ कर रहा है, तो हर कोई अपने आप को विषय का पंडित समझकर आलोचना करना शुरू कर देता है। सो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को, सभी को, मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि देश ऐसे ही आगे बढ़ता है।